हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिविलसन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं राजस्थान में निकली पंचायती राज वैकेंसी का फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं, कहां से डाउनलोड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन करना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सो क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद में इसके सर्च बार में आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रकोष्ठ केंद्र हैं उनकी वेबसाइट पर्टिकुलर दे रखी है। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को दोशा का डाउनलोड करना है, तो www.dosha.government.rajasthan.government.in। ये दोस्तों दोशा की जगह बारा लिख सकते हो, झालावाड़ लिख सकते हो, जिस ज़िले का आपको डाउनलोड करना है उसका नाम आप यहाँ पर दोशा के स्थान पर आप रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए इसको सर्च करते हैं। देखिएगा, इसको सर्च करने के बाद में आपको जो ये वाला क्रोश है इस पर क्लिक करके इसको हटा देना है। इसको हटाने के बाद में आपको इसमें कोने पर ये वाली जो थ्री लाइन है इस पर क्लिक करना है दोस्तों। देन उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट ये वाला जो है इस पर आपको क्लिक करना है। देन फिर आपको इसको हटाना है और आपके सामने रिक्रूटमेंट, उसके बाद में सीरियल नंबर, फुल एडवर्टाइजमेंट। सो फुल एडवर्टाइजमेंट के नीचे आपको देखने को मिलेगा मनरेगा JTA एंड अकाउंट असिस्टेंट। सो इस पर आपको क्लिक करना है, जो ये वाला पोर्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इस प्रोसेस के थ्रू आप ईजी वे में आप डाउनलोड कर सकते हो। सो ये आपका पूरा, इसमें आपका जो विज्ञप्ति है वो भी आ गई और देन इसके अटैच में आपको फॉर्म भी मिल गया। सो दोस्तों, कितना ईजी है ये आप देख सकते हो। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की हेल्प हो जाए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।